मंदिरों की जमीनें बेचने की जांच करो, जांच करो, जांच करो। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। धान जनता का लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धान जनता का लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धान जनता का लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धान जनता का लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धान जनता का लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राजीव महाजन, श्री रघुनाथ जी मंदिर सेवा समिति प्रेसिडेंट। आज हमारा यहाँ पर प्रोटेस्ट इसलिए था कि ये धर्मा ट्रस्ट का ऑफिस है जम्मू के अंदर, उसके बाहर हमने ये प्रोटेस्ट करा। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है कि जितने भी धर्मा ट्रस्ट के अंदर मंदिर आते हैं उन सब की एक श्राइन बोर्ड के अंदर लाया जाए, ताकि हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी मंदिर हैं उनकी प्रॉपर से देख रेख हो सके। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 70 सालों से इस ट्रस्ट ने मंदिरों की ज़मीनों बेचने का काम करा, या तो मंदिर के अंदर से रघुनाथ मंदिर के अंदर से खजाना लूट डाला इन्होंने। आज तक ये नहीं पता लग सका कि वो खजाना कहाँ पर है। एक शिवलिंग था जो कि नीलम का शिवलिंग था, मुबारक मंडी मंदिर के अंदर से, वो भी उठाकर ये लोग ले गए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था, क्योंकि ये हर सरकार के अंदर अपना एक नुमाइंदा छोड़ देते थे। वो चाहे कांग्रेस की सरकार रही, वहाँ पर भी इनका एक नुमाइंदा रहा। वो चाहे एनसी की सरकार रही, उसमें भी इनका एक नुमाइंदा रहा। उसके बाद अब बीजेपी की आई, यहाँ पर भी उनका एक नुमाइंदा है। ये इसीलिए नुमाइंदा अपना छोड़ते हैं ताकि ये जो जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी मंदिरों की ज़मीनें हैं उसको आसानी से बेच सकें और ये अपना कारोबार चला सकें। हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से सिर्फ एक ही अपील है कि जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर मंदिर हैं जो कि इस ट्रस्ट के अंदर हैं, उसकी एक श्राइन बोर्ड बनाया जाए, ताकि हमारे जितने भी मंदिर हैं उनके हालात अच्छे से हो सकें। अदरवाइज़ यहाँ पर तो जो हमारा टूरिस्ट है वो भी आना अब पसंद नहीं करता, क्योंकि रघुनाथ मंदिर में इतने बड़े लुटेरे बैठे हुए हैं धर्मा ट्रस्ट के बिठाए हुए, कि वो यात्रियों को लूटते हैं और यात्री बाहर आकर रोते हैं कि ये तो यहाँ पर ओपनली लूट कसूट है। मुझे नहीं लगता अगर ऐसा ही चलता रहा कि जम्मू के अंदर किसी प्रकार का टूरिज्म रहेगा। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहता हूँ, पहले तो इसकी सीबीआई इंक्वायरी करवाएं। अगर सीबीआई इंक्वायरी नहीं करवाना चाहते आप सिंपली एसीबी इंक्वायरी करवा लीजिए। उसमें जो हमने पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो सारे पॉइंट्स की आप एसीबी इंक्वायरी करवाइए, आपको खुद पता लग जाएगा इन्होंने कितनी चोर बाजारी पिछले 70 सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर डाली हुई है। और हम ये चाहते हैं इसका श्राइन बोर्ड बनाया जाए, और जैसे जगमोहन जी को आज की डेट में पूरा हिंदुस्तान की जनता याद करती है, श्राइन बोर्ड उन्होंने वहाँ का बनाया था वैष्णो देवी का, वैसे ही गवर्नर साहब अगर आप ये धर्मा ट्रस्ट को हटाकर जम्मू कश्मीर के मंदिरों का श्राइन बोर्ड बना देंगे तो आपको भी आने वाले 100 साल तक जम्मू कश्मीर की क्या पूरे भारत की जनता आपको याद करेगी। जय हिंद, जय भारत।